Taliban Mufti. Hi, hi. Taliban Mehbooba. Hi, hi. Taliban Mehbooba. Hi, hi. Taliban Mehbooba. Hi, hi. देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को भारत में रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा भारत में रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा तालिबानी महबूबा हाय हाय तालिबानी महबूबा हाय हाय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे आज मैं ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष ब्रह्मजोत जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवादी हूं जो समय समय पे हमेशा प्रोटेस्ट करके इस देश के खातिर आवाज उठाते हैं। आज महबूबा मुफ्ती ने जिस प्रकार तालिबान के साथ अपने रिलेशन जग जाहिर किए और जिस प्रकार से उसने कहा कि तालिबान के माध्यम से हम लोग 370 हटा देंगे और तालिबान आकर जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से अफगानिस्तान में उसने वहाँ पे राज करने के लिए आगे बढ़ा है यहाँ भी अपने कदम बढ़ाएगा शर्म आनी चाहिए। हम तो इंक्वायरी चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती और उसकी जो भी एक्स मिनिस्टर्स हैं एमएलए हैं उनके पार्टी वर्कर्स हैं इनके तालिबान और बाकी संगठन के जो आतंकवादी संगठन है उनके साथ क्या रिलेशंस हैं और उसके साथ साथ ऐसी महबूबा मुफ्ती जो आज फिर दोबारा धर्म के नाम पर इस जम्मू कश्मीर को बांटना चाहती है 70-75 सालों के बाद आज जम्मू कश्मीर की जनता चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू है इकट्ठा एक मंच के नीचे आए हैं ये इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा इसकी जमीन खिसक चुकी है इसलिए ये आज ये दोबारा ये बयान देकर इस जम्मू कश्मीर का बंटवारा करना चाहती है पर इसको ये नहीं मालूम कि आज जो दिल्ली की हुकूमत में बैठे हैं वो हमारे निंदर भाई मोदी जी अमित शाह जी बैठे हैं जो राष्ट्रवाद के नाम पे एक भी बयान बर्दाश्त नहीं करते। कश्मीर तो बदल गया है 1-2% की जो कमी है वो भी हम बदल के ही छोड़ेंगे।